गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। चलिए उस बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या आप लोग भी PCOS एंड PCOD की प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो ऐसा बहुत सारी लेडीज़ को ये दिक्कत होती है, जो ना वो किसी से कह पाती है ना किसी को बता पाती है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। ये कोई दवाई नहीं है, ये एक आयुर्वेदिक सॉल्यूशन है। तो इसके लिए मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ, टी करी का। ये एक टी है जो कि 100% नेचुरल है। आप इसके इंग्रेडिएंट्स भी देख सकते हैं यहाँ पर। ये 8 इंग्रेडिएंट्स से बना है, जिसमें तुलसी, टर्मरिक एंड इस तरह के जिंजर, ये सारे आपको इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं। तो इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो इसे बनाने के लिए आपको एक ग्लास में बॉइल्ड वाटर ले लेना है और इसे आपको इसमें डिप करके इस तरीके से रख देना है। इसे आपको कम से कम 10 से 8 मिनट तक रखना है और उसके बाद आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, इसमें कोई भी टाइम नहीं लगता। आप इसे कोई दूसरे काम करने के साथ साथ इसे आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से देखिए, आपको गिलास में इसे रख देना है 10 मिनट के लिए और उसके बाद आप इसे पी सकते हैं। इसका टेस्ट भी आप पियेंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत ही नेचुरल सा लगता है और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। इसमें कोई भी मेडिसिंस नहीं है और ये 100% नेचुरल तरीके से बना है। ये देखिए, इस तरह की पैकेजिंग में आता है और इसमें आपको इस तरह से 30 बैग्स मिल जाते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर इस तरह का ये एक बैग मिलता है जिसमें आपको टी बनाना होता है। इसके आपको बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको इसको दिन में 2 बार लेना चाहिए। आप इसे ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद ले सकते हैं। और इसके अंदर आपको साथ ही साथ ये देखिए, ये भी मिल जाता है, आपको डाइट प्लान मिल जाता है बहुत ही अच्छा। आप वेजिटेरियन है उसके लिए भी और नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए भी, ये इसका सबसे बेस्ट पार्ट है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।